मैं हूं सानिया एजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एटीएम में लोगों की मदद करने के बहाने उनसे पैसे लूटता था। दरअसल तुलिंज पुलिस को शिकायत मिली जिसमें ममता नवीन चौहान नाम की महिला ने पुलिस को बताया कि 24 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब वो एक एटीएम में गई थी। वहां पर दो लोगों ने उनसे कहा कि हम पैसे निकालने में आपकी मदद कर देते हैं और महिला ने उन्हें अपना एटीएम कार्ड दे दिया। इस बीच उन लोगों ने महिला से कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, पैसे नहीं निकल सकते। महिला अपना कार्ड लेकर घर वापस चले गई और उन्हें मैसेज मिला कि उनके अकाउंट से 1,15,000 रुपये कट चुके हैं। पुलिस ने अपनी टीम तैयार कर आरोपी अनीश नशीर कुरेशी को मुंबई के धारावी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जब ममता चौहान ने अपना एटीएम कार्ड उन लोगों के हाथ में दिया था तो मौका पाते ही उन लोगों ने एटीएम कार्ड को बदल दिया था। इसी तरह से ये लोग ठगी करते आ रहे थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, उसमें एक वृद्ध महिला को एटीएम गई थी तभी उसका एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे, तभी उनके बाजू में जो आरोपी खड़े थे उन्होंने उसका एटीएम चेंज कर लिया। उसको बोला गया कि तुम्हारे एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, और जो एटीएम कार्ड देते थे उन्होंने उनके पास खुद का एटीएम दे करके एक्सचेंज किया था और उसके ऊपर से 1,15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। वो जो दो आरोपी थे उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है, बाकी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन। जनता को यह आह्वान करना चाहूँगा, अगर आप एटीएम में जाते हो और कोई आपको एटीएम आपका मांगता है, आपके एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, तो एटीएम दूसरे के किसी के भी हाथ में, अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें।